23 करोड़ रुपए यानी कुल 91,277 करोड़ रुपए की आय व्यय विवरणी तैयार की गई। दूसरा इसका सरल फीचर है, बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समान क्षेत्र प्रक्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625 कह यही करना है आपको, सामाजिक क्षेत्र के लिए सोशल सेक्टर के लिए हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है, जोर उसी पर है। आप लोग पूछते थे कभी कि किस पर ज्यादा आपका जोर रहेगा, एम्फेसिस किस पर रहेगा, मैं बराबर कहता था कि सोशल सेक्टर में रहेगा। तो देख रही आंकड़ा से 33,625.72 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए। वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब टैक्स से रेवेन्यू जो होगा हमको वो करीब होगा 23,265.42 करोड़ तथा नॉन टैक्स से राजस्व जो होगा वो होगा 13,500 करोड़। केंद्रीय सहायता सेंट्रल असिस्टेंस जो होता है वो है 17,891.48 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो करेक्शन होता है तो राज्य को हिस्सा मिलता है, उसमें हिस्सेदारी 22,050.10 करोड़, लोक ऋण से करीब 14,500 करोड़ रुपए तथा उधार अग्रिम की वसूली के लिए वसूली से करीब 70 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ये हमारा राजस्व कैसे होगा, ये हमारा रेवेन्यू का कलेक्शन कैसे होगा ये बताए हमको। गत वर्ष 19-20 में झारखंड का विकास दर 6.7% था, इस वर्ष कोरोना के महामारी के कारण देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 20-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन GDP में 7.5% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 6.9% की गिरावट का अनुमान है। देश में गिरावट और रुकना चाहेंगे।